हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की। चलिए आइए देखते हैं। एक सवाल पूछा गया है मुझसे, जैसे सपोज कीजिए सवाल क्या है, मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल बनाता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके। फिर यहाँ मेन फंक्शन बनाता हूँ और ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहां पर इंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं ए, ओके। एंटर प्रेस करके नीचे आता हूं। अब यहां पर जैसे ही आएंगे हम, तो यहां पर हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ लिख देता हूं, तो ये लिख दिया मैंने प्रिंट एफ, ठीक है। और परसेंट डी लिख दिया, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। और यहां पर ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं। ये हो गया हमारा बेसिक कोड, ठीक है। अब यहां पर क्या करता हूं, ए में इनिशियलाइज कर देता हूं, यहां पर ए में इनिशियलाइज कर देता हूं 1, ठीक है। अब ए में इनिशियलाइज कर दिया 1, तो यहां पर जब हम इसको चलाएंगे, पहले तो इसको सेव कर लेता हूं, तो किसी भी एक नाम से सेव करता हूं, .c एक्सटेंशन है उसके साथ। अब यहां बिल्ड पे चल के सबसे पहले कंपाइल करवाएंगे, तो कंपाइल हो जाएगा ये, और कंपाइल होने के बाद जब रन करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि हमने यहां इनिशियलाइज किया 1 ही दिया है और ये को ही प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहां पर हमारा आंसर 1 आएगा। तो यहां पर देखिए 1 प्रिंट होके भी आ रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हटके, क्या हटके बात करेंगे। यहां पर अगर मैं a प्लस प्लस कर देता हूं, देखिए यहां पर मैंने किया a प्लस प्लस, तो यहां पर आंसर आएगा 2, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ, ये में क्या था 1 था, एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा 2 होगा। तो ये तो बात समझ में आती है। यहां पर अगर इसको मैं कंपाइल करवाता हूं और फिर यहां से रन करवा देता हूं, तो आप देखेंगे कि a प्लस प्लस यानी 2 आ गया है, क्योंकि यहां पे 1 रखा था। अगर मैं यहां पे 2 रख दूं तो यहां पे 3 आएगा, यानी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर मैं 2 रख लेता हूं तो देखिए इसको मैंने सेव किया, फिर यहां से कंपाइल करवाते हैं, ये कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, और फिर यहां से रन करवाते हैं। तो जब रन करवाएंगे तो देखिए 3 आ गया। अब हमने रखा क्या था यहां पे 2 इनिशियलाइज किया था, तो 3 आ गया। तो ये तो बात समझ में आती है इंक्रीमेंट वाली स्टाइल, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप यहां पे लिखते हैं a, देखते हैं आप ऐसा कुछ a प्लस इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आपको दिक्कत होनी चालू हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 में एक जोड़ दीजिए, इट मींस कि एक इंक्रीमेंट कीजिए, इसका भी मतलब यही है। अब यहां पर एक जोड़ रहे हैं हम, मतलब एक ऐड करना है, 1 ऐड करना है इसमें। तो देखिए यहां पर इसको सबसे पहले कंपाइल करवाते हैं और फिर इसको रन करवाते हैं, तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए 2 और 1 इंक्रीमेंट हो गया तो 3। अब यहां पर अगर मैं 2 दे देता हूं तो 4 आएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी है और 2 और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये देखिए ये यहां पे गया मैं और बिल्ड पे गया, कंपाइल करवाया और फिर यहां से रन करवाएंगे, तो रन करवाएंगे तो देखिए आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, देखिए यहां से मैं कंपाइल करवाता हूं फिर यहां से मैं रन करवाता हूं, तो देखिए आंसर हमारा 5 आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये जो इंक्रीमेंट की स्टाइल है ये कुछ इस तरह से काम करेगी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें।